तो दोस्तों, स्लोपी एरिया में अगर आप घर बांध रहे बोले तो थोड़ा बहुत कुछ आपको दिक्कत का सामना कर लेना पड़ता रहता। कहीं को बोले तो 30 फीट को और 40 फीट को फर्क बहुत हो जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पे चेक घर बता रहा हूँ कि जितना भी ऊपर देख रहे हैं ना, कितना हाइट पे है, ये वाला जो है उतार पे है। ये घर भी सेम, यहाँ से सिर्फ 1.5 फीट हाइट है, उधर से देखो तो बहुत ज़्यादा है। ये भी सेम, मैं भी आपको वॉक थ्रू दिखाता हूँ। ये घर का अंदर की तरफ देखिएगा किस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ से मेन एंट्रेंस रोड यहाँ पे है और ये वाला इधर, उसके बाद घर इतना हाइट पे। यार मेरे को शायद उन्होंने कम लिए तो भी आता था, बट स्लोपी एरियाज़ में ये दिक्कत का सामना कर लेना पड़ता है। तो एक फ्लोर को गया जैसे ही हाइट पे है और सब भी बनाया कॉर्नर की तरफ, एंट्रेंस पे स्टेप्स एंटर करते हैं घर के अंदर की तरफ, तो बहुत ज़्यादा ही हाइट हुआ है ये। अगर आप पीछे की तरफ देखें तो कम ही है समझो। तो रोड वहाँ पर है पूरा एक मंजिल के ऊपर हाइट, खर्चा भी ज़्यादा होता है। सो प्लॉट खरीदने से पहले, आजकल सिटी में भी प्लॉट नहीं मिल रहा है, बट अब हम चलते हैं घर की तरफ। घर तो एकदम A1 टॉप क्लास में बनाया गया। और एक मैं सजेशन देना चाहता हूँ, ये भीम लिए देखो। भीम लेने के बाद नेक्स्ट जो है ना, अब नेक्स्ट भीम यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो 9x18 इंच का कॉलम्स दिख रहे हैं, ये वाला एंट्री घर है, बहुत खूबसूरत घर है। वेस्ट फेसिंग यहाँ पे एक हॉल जैसा बनाया गया, अंदर की तरफ से स्टेप्स ये वाला। तो फर्स्ट आ गए अपन सिट आउट में, विंडोज़ इनबिल्ट शेल्व्स आ जाएगा यहाँ पर। ऑल केयर गोज़ टू द हाउस ओनर, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर ऑफ दिस हाउस। इधर एक डोर और यहाँ पे एक लिविंग एरिया कम हॉल टाइप में बनाएगा ये वाला। वहाँ पे आ जाता स्लाइडिंग डोर आ रहा है इधर, यहाँ पे स्लोड है स्लाइडिंग डोर। और पीछे की तरफ भी सफिशिएंट जगह है, अगर आपको जाना है पीछे की तरफ बोलते हैं, स्टेप्स भी दिया गया। सो बोरवेल के लिए एक पॉइंट, इसको देखने से मालूम होता है कि अभी यहाँ पर कुछ कंटिन्यूटी नहीं है पानी का, ऐसा लग रहा है। एक हॉल एरिया समझो, सीनरी व्यू अच्छा मिलता है देखने को। और इधर से एंटर आ गए आप घर के अंदर, पूजा रूम इधर, यहाँ पर एक पूजा रूम। और कॉरिडोर टाइप, यहाँ से स्टेप्स फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए। एंड इधर आ जाता टॉयलेट रूम, वो इतना गैप देखे छोड़े देखो, टॉयलेट रूम आ रहा। ये आ जाता है किचन कम डाइनिंग एरिया यहाँ पे, ये वाला किचन कम डाइनिंग एरिया। दो विंडोज़, एक वेंटिलेटर, और पीछे की तरफ स्टोर रूम भी ले सकते हैं आप। जैसा जगह की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया गया। प्लान बेस्ट है, सुपर डुप्लेक्स हाउस, और बाहर से भी स्टेप्स लिया गया यहाँ पर। यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट बाथ, और फिर इधर लग्जरी किंग साइज बेडरूम 12x14 फीट में। तो दोस्तों, ये था इस घर का एक वॉक थ्रू, शानदार खूबसूरत A1 घर का जो है वॉक थ्रू। बस स्लोपी एरियाज़ में थोड़ा यही प्रॉब्लम है यार, हाइट का ही थोड़ा सा दिक्कत है, खर्चा ज़्यादा आता है हाउस ओनर को। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।